दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो है एक बार फिर से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और इसका आवेदन जो है 1 तारीख से शुरू हो चुका है और इस जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का 15 तारीख तक है, 15 अक्टूबर तक है। लेकिन इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्म भरने में परेशानी आ रहा है और वो स्टूडेंट जो है न्यू पास आउट है, जैसे कि सेप्टेम्बर में वो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हैं या फिर ITI पास हुए हैं या फिर अगस्त में उनका कम्प्लीट हुआ है, तो क्या वे लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन भर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वैकेंसी आया था उस वक्त आवेदन कर लिए हैं, तो उन्हें फिर से उसी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करना है। अगर वो चाहते हैं न्यू पोस्ट के लिए, जैसे कि जूनियर अकाउंट क्लर्क है तो उसमें कॉमर्स से ग्रेजुएट मांगता है, तो वे लोग स्टोर कीपर एंड स्टोर असिस्टेंट में भी भर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर वे लोग दोनों में अप्लाई नहीं किए तो वे एक में फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक लाइन यहाँ पे ये है कि नए अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन, यानी कि विस्तृत विज्ञापन जो पहले आया था वही है फिर से जो 1 तारीख से शुरू हुआ है, इसमें कोई विस्तृत विज्ञापन नहीं आया है। ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था बस यही एक आया है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ये भी दिया है, विज्ञापन की से शर्तें जो है यथावत रहेगी, यानी कि विज्ञापन जो मतलब पहले जो विज्ञापन आया था उसी को यहाँ पर मानते हुए और फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या ऐसे में जो लेटेस्ट पास आउट स्टूडेंट है इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, चलिए उस नोटिफिकेशन को हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। तो देखो, ये हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जूनियर अकाउंट क्लर्क का है, लेकिन सभी का नोटिफिकेशन सेम है, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग है। तो इसमें जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देखो, कैंडिडेट मस्ट पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट अप्लाइड ऑफ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एडिट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज ऑन 31/3/2024। यानी कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 31/3/2024 और एज का क्वालिफिकेशन है, इसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसे में जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट थे वो लोग कंपटीशन से तो बाहर हो गए, जो कि सितंबर में जो पास आउट हैं, अगस्त में पास आउट थे, जून जुलाई ये सब में, तो वे लोग तो बाहर हो गए। तो देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर न्यू आप फिर से मौका दे रहे हो लोगों को फॉर्म भरने का, तो आपको जो है ये जो 31/3/2024 का जो क्राइटेरिया बना के रखे हो इसको हटा देना चाहिए था, ताकि न्यू स्टूडेंट भी फॉर्म को भर सकते थे, ठीक है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा BSPSCL के जो ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो वहीं पे आता है, तो उस पर आप मेल कर सकते हो और वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। हो सकता है कि वे लोग अपडेट कर दें। और आगे जो भी नोटिस होगा, अगर मतलब आप लोगों को अगर मौका दिया जाता है फॉर्म भरने का, तो हम वीडियो बना के जो है अपडेट करेंगे आप लोगों को। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है कि न्यू कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। थैंक यू।